भक्त बंधुओं और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे 26 एकादशी यानी कि पूरे साल भर की एकादशी का क्या क्या, हर महीने में जो दो एकादशी पड़ती है उसके क्या क्या महत्व है, हर महीने रखी जाने वाली एकादशी के व्रत से क्या पुण्य मिलता है और क्यों रखा जाता है यह एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत का महत्व क्या है और इसके साथ ही हर महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी के क्या महत्व होते हैं, उससे क्या पुण्य मिलता है, उससे क्या लाभ मिलता है, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में जानेंगे। एकादशी के सभी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। शास्त्रों में हर एकादशी का अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व बताया गया है। एक महीने में दो एकादशियां पड़ती हैं, अर्थात आपको माह में बस दो बार और वर्ष भर में 365 दिनों में 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिमास होने से दो एकादशी जुड़ने से कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो जीवन में कभी भी कष्टों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकट से मुक्ति मिलती है, सर्वकार सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, विवाह संबंधी बाधा भी समाप्त होती है, धन और समृद्धि भी मिलती है, शांति मिलती है, मोह माया के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशहाली मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत हो जाते हैं, दलिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति भी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोग का नाश होता है, कीर्ति और सिद्धि की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इतने सारे फायदे होते हैं एकादशी के व्रत को करने से। तो हर महीने में दो एकादशी आती है, पूरे साल में 26 एकादशी आती है जैसे कि मैंने पहले आगे आपको बताया है, और हर महीने की एकादशी के अपने अलग महत्व हैं और अपने अलग फायदे हैं उसको करने के। हर महीने में जो एकादशी आती है उसका अलग अलग कार्य है, अलग अलग सिद्धि है, अलग अलग पुण्य मिलता है, अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो पूरे साल भर में जो एकादशी आती है 24 आते अगर आप एकादशी करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर माह की एकादशी में क्या क्या पुण्य मिलता है या फिर क्या होता है चैत मास में, बैसाख में, जेठ में, सावन भादों के एकादशी को व्रत रखने से। तो आज की वीडियो में वही हम जानेंगे कि हर माह में जो एकादशी पड़ती है उस एक माह की एकादशी को रखने से क्या पुण्य प्राप्त होता है या फिर किस चीज की प्राप्ति होती है, सिद्धि की किस सिद्धि की प्राप्ति होती है, वो हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। तो जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार से जो साल का पहला माह होता है वो होता है चैत। चैत माह में कामदा या पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा से राक्षस आदि की योनियों से छुटकारा मिलता है और यह सर्वकार सिद्धि करती है और पाप मोचनी एकादशी से पाप का नाश होता है और संकट से मुक्ति मिलती है। मतलब जो प्रथम पाक में, मतलब पहले पाक में जो एकादशी पड़ती है उसे कामदा और जो दूसरे पाक में पड़ती है उसको हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अब आते हैं हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह यानी कि बैसाख के माह में। बैसाख के माह में वरुथनी और मोहनी एकादशी आती है। वरुथनी सौभाग्य देती है और सब पापों को नाश भी करती है तथा मोक्ष देने वाली भी कहलाती है। तो इसे मोहनी एकादशी में शुभ समृद्धि शांति प्रदान करती है और साथ ही साथ मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। तो जो मोहनी एकादशी होती है वो शांति प्रदान करती है, साथ ही साथ मोह माया के बंधनों से मुक्ति भी प्रदान करती है। वहीं पे आप जैसे कि वरुथनी जो एकादशी होती है वो पाप सब पापों को नाश करने के साथ साथ मोक्ष देती है। ये वरुथनी सौभाग्य और पापों को नाश करती है, वरुथनी एकादशी। तो अब चलते हैं तीसरे साल के तीसरे माह में जिसको बोलते हैं हम जेठ। जेठ माह में अपारा और निर्जला एकादशी आती है। अपारा एकादशी व्रत में मनुष्य को अपार सुख की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और निर्जला का अर्थ होता है निराहार या फिर निर्जल व्रत रखना। इससे करने से हर प्रकार की मनोरथ जो आपकी कामनाएं होती है, जो आपके मनोरथ होती है, जो आप भगवान से मांगना चाहते हैं, निर्जला व्रत रख के भगवान से अपना मनपसंद वर मांग सकते हैं। जो भी आपको चाहिए भगवान से वो आपको मांगने से आपकी सिद्धि की प्राप्ति होती है, मनोरथ सिद्ध होंगे, जो भी आप मांगेंगे वो उससे
पूर्ण होगा। उसके बाद आषाढ़ माह में आती है योगिनी और देवशयानी एकादशी। योगिनी एकादशी में समस्त पाप दूर हो जाते हैं। योगिनी एकादशी में समस्त पाप दूर हो जाते हैं, व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है और देवशयानी एकादशी का व्रत रखने से सिद्धि प्राप्ति होती है और यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत भी करती है देवशयानी व्रत रखने से। तो अब चलते हैं सावन माह में। सावन माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त होने नहीं देती है और वहीं पे पुत्रदा एकादशी से संतान का सुख प्राप्त होता है। इसको संतान नहीं हो रहा है तो वो सावन माह की एकादशी का व्रत रखे तो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। भादो माह या फिर भद्रपद में एकादशी का व्रत रखा जाता है। वो जो एकादशी पड़ती है, पहली आती है अजा और दूसरी आती परिवर्तनी एकादशी। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई भी संकट आता है तो वो दूर हो जाता है और दलितता दूर होती है। खोया हुआ कुछ भी पुनः प्राप्त मिल जाता है, जो भी व्यापक समान। वहीं पे परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत रखा जाता है वो बेसिकली आपके कष्ट को, आपके पापों को, आपके दुखों को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो हर महीने में अपने अपने अलग अलग चीजों से आपके दुख और कष्टों को निवारण होता है। तो अब आते हैं अश्विन माह में जो आती है एकादशी, उसमें सबसे पहले आती है इंद्रा और दूसरा आती है पाप कुशा एकादशी। तो पितरों को अधोग गति से मुक्ति देने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है, जिससे कि उनको स्वर्ग के पितरों को स्वर्ग प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत रखने से। कि वहीं पे पाप कुशा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पार धन और समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। अब आते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास की एकादशी, कार्तिक मास की एकादशी को रमा और प्रमोदिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है रमा एकादशी के व्रत रखने को। वहीं पे देवठानी व्रत या फिर प्रमोदिनी व्रत, उसको हम देवठानी व्रत भी कहते हैं, प्रमोदिनी व्रत भी कहते हैं, तो उसको करने से भाग्य जागृत होता है। और इस दिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने का अपना अलग महत्व होता है और तुलसी चढ़ाने से, तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों ही प्रसन्न होती हैं। तुलसी को लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा का अपना अलग महत्व है। तो इस माह में भी जैसे देवठानी व्रत और रमा आता है, रमा एकादशी आती है, तो इसमें करने से ये फायदे होते। कार्तिक के बाद आता है माघ या शीश, माघ शीश या फिर माघ लोग बोलते हैं इस माह को। इसमें आती है उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से देवता और तृप्त होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। और मोक्षदा एकादशी को व्रत करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद आते हैं पौष माह में सफला दूसरी आती है पुत्रदा एकादशी। सफला एकादशी में सफल करने वाली होती हैं, जो भी आप कार्य होंगे वो सिद्धि होती है, उसकी सफलता प्राप्त होती है जो भी कार्य आप करेंगे। उसके बाद दूसरी होती है पुत्रदा एकादशी, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। फिर आती है माघ, माघ में षष्ठीला और जया एकादशी आती है। षष्ठीला एकादशी में व्रत करने से दुर्भाग्य, दलितता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पे जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद आती है फागुन माह में। फागुन माह में विजया एकादशी और अम्लकाली एकादशी आती है। विजय एकादशी से भयंकर परेशानियों से व्यक्ति छूट जाता है और इससे शत्रु का नाश भी होता है। आमलकी एकादशी में आंवले का महत्व होता है। इससे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से दूर हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। ये तो हो गई पूरे साल की 26 एकादशी और 26 महत्व, 26 फायदे मैंने आपको बता दिए कि हर महीने की एकादशी में क्या क्या फायदे होते हैं। अब जो अधिमास में या मलमास में जो हमारा पड़ता है एकादशी, उसके क्या फायदे होते हैं। तो अधिमास में श्रवणी यानी कमला और परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, साथ ही पुत्र कीर्ति और मोक्ष भी देती है। पुत्र की प्राप्ति भी होती है, कीर्ति और मोक्ष को देती है। कौन सी? पद्मिनी। वहीं पे हमारा जो दूसरा आता है वो परमा। परमा एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करती है तथा उत्तम गति की प्राप्ति भी होती है। तो एकादशी व्रत करने के देखिए हर महीने के इतने फायदे हैं। और नॉर्मली भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकादशी
आपको सारी चीजों से मुक्ति देती है, मोक्ष की प्राप्ति करती है, आपके कष्ट, आपके पाप, आपके जो भी आपने अभी तक पाप किए उन सबका नाश करती है ये एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए और पूरे नियम और पूरे निष्ठा से करना चाहिए, तभी आपकी एकादशी का व्रत सफल होता है। तो पूरे नियमों के अनुसार विधि विधान के साथ ही एकादशी का व्रत करें। कैसे करना है एकादशी का व्रत, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ, आपको बताया हुआ कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, वो आप एक बार विधि विधान नियम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से एकादशी का व्रत करिएगा। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर सभी सनातन धर्म के लोगों के साथ शेयर करिएगा। सबको मालूम होना चाहिए ना एकादशी व्रत के करने के फ़ायदे क्या हैं, जो जो रखते हैं उनके साथ तो पक्का शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई और रिक्वेस्ट करनी हो या फिर कोई वीडियो चाहते हैं या फिर कोई किसी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।